अगर आप लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपके डिवाइस का चार्जर बहुत जल्द बदलने वाला है। अब सारी डिवाइसों में एक ही चार्जर इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही एक देश एक चार्जर का नियम लाने वाली है। इस बदलाव का असर यूजर्स के साथ साथ लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पर भी पड़ेगा। दरअसल सरकार देश में कॉमन चार्जिंग नियम लागू करने पर विचार कर रही है। इससे देश में सिर्फ एक तरह के चार्जर की बिक्री होगी। ऐसे में अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सूत्रों की माने तो सरकार टाइप सी चार्जर को स्टैंडर्ड चार्जर मानकर इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। ऐसे में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया जा सकता है। बता दें कि इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा मोबाइल फोन यूजर्स को होगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर खरीदने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। एक ही चार्जर से जब सभी डिवाइस चार्ज होंगी तो यूजर्स का इससे पैसा भी बचेगा। बता दें कि ई कचरा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली समस्या है। वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 50 मिलियन टन ई कचरा पैदा हो रहा है। यह हर सेकेंड 1000 लैपटॉप फेंकने के बराबर है। इस समस्या से भारत सरकार भी परेशान है। टाइप सी चार्जिंग को अनिवार्य करने पर ई वेस्ट को बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही नया नियम पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद होगा। बता दें कि भारत में लागू होने से पहले ही यूरोपियन यूनियन ने टाइप सी चार्जर को अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को यूरोपियन यूनियन ने साल 2022 में लागू किया था, जिसके बाद एप्पल को भी आईफोन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ा था। फिलहाल अभी भारत में इस तरह का नियम नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक सरकार कॉमन टाइप सी चार्जिंग का नियम अनिवार्य कर सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।